नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रेटिट्यूड से भी ज़्यादा पावरफुल एक ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में जो ग्रेटिट्यूड से बेटर रिजल्ट्स देती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मोस्टली लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं। और ग्रेटिट्यूड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अब्राहम कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड में थोड़े फ्लॉज होते हैं, यानी ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ तो चेंज कर सकता है लेकिन ग्रेटिट्यूड में रेजिस्टेंस की वाइब्रेशन स्टिल एग्जिस्ट करती है थोड़ी बहुत। लेकिन ये जो प्रोसेस है अब्राहम का, ये पूरी तरह से आपको अलाइनमेंट में रखता है। और अब्राहम के इस प्रोसेस के बारे में तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा ही, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब्राहम ऐसा क्यों कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड में थोड़े बहुत रेजिस्टेंस स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोसेस पर जो कि अब्राहम का प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है अप्रिशिएशन, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले पढ़ा था आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक बाय अब्राहम हिक्स में। अब्राहम कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएशन की जो फीलिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जस्ट ग्रेटिट्यूड से एक बेटर वर्जन हो जाता है अप्रिशिएशन का। और ग्रेटिट्यूड में जो थोड़ा बहुत आप रेजिस्ट करते हो वो आप अप्रिशिएशन में नहीं करते। अप्रिशिएशन प्योर पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड को फॉलो करते हो तो ग्रेटिट्यूड की बेसिक फीलिंग अगर देखोगे तो इस तरह की होती है कि आपको आपकी लाइफ में कोई चीज़ मिली, आप उसके लिए शुक्रगुजार हुए। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर ली, अब आप शुक्रगुजार हुए उस बात को लेकर के कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। आप गवर्नमेंट के लिए थैंकफुल हुए, आप उन टीचर्स के लिए और उन बुक्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील किए जिससे पढ़कर आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम को क्लियर किया। यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हुए कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिली। अब यहाँ पर वाइब्रेशन कैसी है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में अब आ चुकी है जो आपको लगता था कि आपके लिए उतनी पॉसिबल नहीं है या आपके लिए बहुत मुश्किल है, और आपको ये चीज़ मिली है, हर किसी को नहीं मिल सकती लेकिन आपको ये चीज़ मिली है और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो। अब यहाँ तक ग्रैटिट्यूड का समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये हो सकता है इस जगह पे, तो इस जगह में फ्लॉ क्या है, इस जगह में फिर रेजिस्टेंस क्या है। अब आते हैं इस पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए, मैं अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूँ तो अब्राहम के पर्सपेक्टिव से ही सिखाता हूँ, और क्योंकि मैं अपनी लाइफ में उन्हीं को फॉलो करता हूँ। और अब्राहम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन टू यू, जैसा अब्राहम की पहली ही बुक का नाम ही है आस्क एंड इट इज़ गिवन, जिसका बेसिक मतलब ही यही है। और अगर उस बुक को अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी आप यही जानोगे, या अब्राहम की कोई भी बुक पढ़ो आप यही जानोगे कि आप जिस क्षण यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हो उसी क्षण वो चीज़ आपकी हो जाती है। अब चाहे आप वर्बली बोलकर मांग रहे हो कि यूनिवर्स मुझे ये जॉब चाहिए, या मन ही मन, या अपनी कॉन्ट्रास्ट को लेकर के बोलो, या किसी ऐसी जॉब में आप हो या फिर आपके पास जॉब नहीं है और आपके मन में बस ये थॉट आता है कि हाँ मुझे भी एक अच्छी जॉब चाहिए या काश मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होती, तो भले आपने बोला या नहीं बोला आपके मन में ये विचार भी आया कि काश मेरे पास ये चीज़ बेटर होती, इस तरीके से ना होकर के इस तरीके से काश होती, तो आपके ऐसा सोचने या ऐसा बोलने भर से ही वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी। इसीलिए अब्राहम कहती है कि जब भी आप मांगते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है, नो एक्सेप्शंस, यानी इसका कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। यानी इसका मतलब अगर ऐसे देखे कि आप चाहे जो मर्जी वो मांग लो लेकिन ये वाली चीज़ मत मांगना, या फिर आपको जो चाहिए वो मांग लो बस इस वाली चीज़ को रहने देना, ये मत मांगना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी मांगोगे कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है, जितना मर्जी उतना मांगो, जैसा चाहे वैसा मांगो, यूनिवर्स उसी वक्त वो चीज़ आपको दे देता है। मतलब आपने जब भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात किया, सोचा भी, या अगर आप फॉलो कर ही रहे हो कि मुझे पढ़ना है या मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे ये जॉब क्रैक करनी है, अगर आप उस फील्ड में हो और उस चीज़ को चाहते हो तो वो चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। और ऐसा सिर्फ जॉब में नहीं है, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में है। अब हर एक एस्पेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो हर चीज़ आ जाती है, लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ें भी, बड़ी से बड़ी चीज़ें भी। तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग इस जगह पर ऐसी हो जाती है कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अब्राहम की टीचिंग्स कहती है आप शुक्रगुजार बनो या ना बनो, आप ग्रैटिट्यूड करो या ना करो, आपकी लाइफ में वो चीज़ ऑलरेडी है जो आपको चाहिए, क्योंकि जब आपने मांगा था यूनिवर्स ने उसी वक्त वो चीज़ आपकी लाइफ में दे दी। अब बात आती है इस जगह पर, चलो अगर हमने कोई चीज़ मांगी या सोची और यूनिवर्स ने वो चीज़ दे दी तो हम तो इतने टाइम से सोच रहे हैं, तो हमारी लाइफ में वो रियलिटी क्यों नहीं है। इसके आंसर में अब्राहम कहती है कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को एक्टिवेट करते हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हो, वो थॉट एक्टिवेट होता है, और जब भी वो कोई थॉट एक्टिवेट होता है वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करता है, और मैनिफेस्ट कैसे करता है, आपकी वाइब्रेशन से। तो जब आप बोलते हो कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब का ख्याल ही मन में आता है, तो गवर्नमेंट जॉब का ख्याल मन में आया, ख्याल आने की वजह से वो वाइब्रेशन एक्टिवेट हुई, वाइब्रेशन एक्टिवेट होने की वजह से अब वो वाइब्रेशन और स्ट्रांग होती जाएगी और वो चीज़ को मैनिफेस्ट करेगी।
अब अगर वाइब्रेशन इस जगह पर ऐसी है कि इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है, या इतने लाख लोग इस जगह पर प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने लाख लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं, सिलेक्शन सिर्फ 10-12 लोगों का होना है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बिना सोर्स के, बिना जान पहचान के आप इस जॉब को नहीं हासिल कर सकते, या कितने भी आप टैलेंटेड क्यों ना हो, इस जॉब को पाना मुश्किल है। अभी ये जब वाइब्रेशन आप एक्टिवेट करते हो, यानी गवर्नमेंट जॉब की आपने बात करना स्टार्ट की, अब गवर्नमेंट जॉब की वाइब्रेशन एक्टिवेट हुई, उस जगह पर आपने इस तरह के थॉट्स को और एक्टिवेट कर लिया। अब यूनिवर्स ने तो वो चीज़ आपको एक वाइब्रेशनल रियलिटी में ऑलरेडी दे दी, लेकिन अब आप तो यूनिवर्स के अलाइनमेंट में नहीं हो, आप तो उसके सीधा अपोजिट बात कर रहे हो। यूनिवर्स तो आपसे ये कह रहा है कि आपने जब मांगा था इस चीज़ को, मैंने उसी वक्त आपको दे दिया, लेकिन आप इस बात को तो मानो। लेकिन हम क्या मान रहे होते हैं, या आप क्या मान रहे होते हैं उस जगह पर, कि ये करेंट रियलिटी है और यही रियल रियलिटी है, इस वजह से ये जॉब मुझे नहीं मिल सकती। तो ये डिज़ायर का होना और आपके बिलीव का होना, अब इस जगह पर देखोगे दोनों का डिफरेंस जब हो जाता है तो हम इसको डिसअलाइनमेंट या बोलो आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, जब ये दोनों मेल खाती है तो हम इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। सिंपल मतलब अगर समझो तो डिज़ायर आपकी है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन बिलीफ नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी डिज़ायर है गवर्नमेंट जॉब और आपको पता है कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, या आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में मिल जाएगी, ये है अलाइनमेंट। अब इसी जगह पे अप्रिसिएशन की बात करते हुए अगर आप देखोगे तो अप्रिसिएशन इस चीज़ को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। जैसा मैंने कहा कि आप कोई थॉट लेते हो, कुछ सी थॉट पे आप फोकस करते हो, वो थॉट एक्टिवेट होता है, उस थॉट पे आप और थॉट देते हो, वो स्ट्रांग होता है, और फिर वो थॉट मैनिफेस्ट होता है। और जब आप उस बारे में कंप्लेंस कर रहे होते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए लेकिन ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें नहीं मिल सकती, इसको आप मोस्टली अपनी फीलिंग से समझ सकते हो कि जब आपने एक्टिवेट किया अपनी वाइब्रेशन को गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हुए, तो आपने कुछ ऐसी बातें बोली या सोची जिससे आपके मन में और फियर क्रिएट हो गया कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे पास ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो इस जगह पर आप फीलिंग में रेजिस्ट करने लगे तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, आप रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट करोगे। अब वो चीज़ जब आपकी देखोगे तो रियलिटी बनी नहीं है, एक वाइब्रेशनल रियलिटी में यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको दे दी है, अब आपका काम है उसको रियल रियलिटी बनाना। अब इस जगह पर अगर आप अफर्म करते हो कि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है, तो ये कई बार आपको फेक लगेगा, क्योंकि जब आप बोलोगे आपको करेंट रियलिटी में वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, तो आप रेजिस्ट करोगे, आप बोलोगे भी नहीं अफर्मेशंस को। और यहीं पे जो अप्रिसिएशन वाली बात आती है, अब अप्रिसिएशन कैसे बेटर होता है ग्रेटिट्यूड से, अब हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं। अब्राहम कहती है यू गेट व्हाट यू थिंक वेदर यू वांट इट और नॉट, यानी आपको वो चीज़ हमेशा मिलती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, भले वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस जगह पर ये पॉइंट आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको चाहिए वो चीज़ या आपको नहीं चाहिए वो चीज़, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उस बारे में सोच रहे हो कंसिस्टेंटली तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है। अब कोई चीज़ आपको चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, लेकिन जिस वाइब्रेशन के बारे में मैंने बात किया उस तरीके से अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, तो उसका लैक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, वो चीज़ आपसे दूर चली जाती जाएगी। और ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, लाइफ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स में है। अब वहाँ पर बात आती है चेंज की, अब आप चेंज कैसे करोगे जब वो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, आपके रियल लाइफ में नहीं है, तो आप कैसे मानोगे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आ चुकी है। तो यहाँ पर अब्राहम ने जैसा कहा कि यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट, यानी आपको वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, आपको भले वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जब हम अप्रिसिएशन यूज़ करते हैं तो अप्रिसिएशन में हम ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ दे दो, मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस वाली वाइब्रेशन में रहते हो आप रेजिस्ट कर रहे होते हो। अप्रिसिएशन क्या होती है कि यार गवर्नमेंट जॉब कितनी बेस्ट होती है, गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको टाइम और मनी की अच्छी फ्रीडम होती है, आपको गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी एक रेपुटेशन होती है, आपकी पूरी लाइफ सेट होती है, आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर होता है, गवर्नमेंट जॉब की गारंटी होती है कि आप लाइफ टाइम उस जगह पर रह सकते हो, हॉलीडेज आपको इजीली मिलते हैं, टाइम का वहाँ पर कोई इश्यू नहीं होता, आप इजीली अपने काम को कर पाते हो, आपको छुट्टी टाइम पे मिलती है, आपको सैलरीज टाइम पे मिलती है, गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है प्राइवेट कंपनीज से। अब ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए हैं जो एक अप्रिसिएशन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, यानी इसका ये मतलब है कि आप उसकी सच्ची तारीफ कर रहे हो, आप कुछ ऐसा झूठ बनाकर तारीफ़ नहीं कर रहे हो जो गलत है उस बारे में। क्योंकि अगर आप रियलिटी में किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसके बारे में कंप्लेंट वाली वाइब्रेशंस में हो, तो आप और कंप्लेंट मैनिफेस्ट करोगे, यानी वो जॉब आपके हाथ से निकल जाएगी, आपकी लाइफ में कंप्लेंट बढ़ जाएगी कि इस वजह से वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट हुई।
तो इस वाली सिचुएशन में आप रेजिस्ट करोगे। अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो आप डायरेक्टली यूनिवर्स को ये नहीं बोल रहे कि मुझे ये चीज़ दे दो, क्योंकि यूनिवर्स, जैसा आप मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप मांगो ना मांगो मुंह से बोल करके, अगर आपके मन में ये बात आ जाती है ना, काश मेरे पास भी अच्छी जॉब होती, कि काश ये चीज़ ऐसे ना होकर के ऐसे होती, तो उसी वक्त वो चीज़ आपकी हो जाती है। अब बस आपको क्या होता है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट होना होता है, उसकी वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आना होता है। इसीलिए कहते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड करो या ना करो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसा मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में भी कहा है, हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, और ये मैं नहीं अब्राहम कहती हैं कि एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड मान लीजिए क्रिटिसिज्म है, तो उसका पॉजिटिव साइड जो होता है वो एप्रिसिएशन है। आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज या कंप्लेन भी कर सकते हो, या चाहो तो आप उसकी तारीफ भी कर सकते हो, लेकिन आप जितना तारीफ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हो उतना आप लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हो। और अगर अब्राहम का इमोशनल स्केल भी आप देखोगे, जो 22 नंबर तक है यानी 22 पॉइंट्स तक है, उसमें पहला जो पॉइंट है वो एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन, लव, जॉय, एम्पावरमेंट। आप गूगल में टाइप करोगे अब्राहम हिक्स इमोशनल गाइडेंस स्केल तो आपको ये वाला स्केल दिख जाएगा, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी काफ़ी बनाई हैं इससे पहले। और अगर आपके पास अब्राहम की बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन, तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस वाइब्रेशन में जब आप वाइब्रेट करते हो तो आप उस चीज़ को नेचुरली मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आप अलाइंड होते हो इस जगह पे। ये अलाइनमेंट का हाईएस्ट फॉर्म है। और अब्राहम कभी भी ये नहीं कहती कि आप किसी चीज़ की झूठी तारीफ करो, यानी आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो नहीं पसंद है, वो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके ऐसे साइड को देखो जिसको आप अप्रिशिएट कर सको, और अगर आप वो नहीं देख पा रहे तो अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि आप अपनी लाइफ में जहाँ देखो एटलीस्ट एक थोड़ी पॉजिटिविटी उसमें से ढूंढ सको। अपने अराउंड चीज़ों और लोगों को अप्रिशिएट करो और देखो आपकी वाइब्रेशंस में कितना ज़्यादा शिफ्ट आता है। जैसे ग्रैटिट्यूड वाली वाइब्रेशन में मैंने आपको कहा था कि ग्रैटिट्यूड में थोड़ी रेजिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई चीज़ आपको ऐसी मिल चुकी है जो आपके लिए पाना बहुत मुश्किल थी, और अब आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। और वहीं अब्राहम की टीचिंग्स कहती है कि व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन, यानी आप जब भी मांगोगे आपको हमेशा मिल जाएगा। अब चाहे आप ग्रैटिट्यूड करो या ना करो, वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है, जस्ट आपको उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना है। अलाइनमेंट में आने के लिए आप चाहो तो ग्रैटिट्यूड भी यूज़ कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड बुरा नहीं है। बस ये है कि ग्रैटिट्यूड अच्छा है, एप्रिसिएशन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। और ग्रैटिट्यूड आप तब कर पाते हो, मोस्टली फीलिंग भी आप तब कर पाते हो जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी होती है, यानी ये चीज़ मुझे चाहिए, अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं फील कर पाऊंगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब को ही ले लीजिए, अब गवर्नमेंट जॉब आपकी लाइफ में नहीं है तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कैसे फील करोगे? आ जाएगी तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप ये बिलीव करके भी करोगे कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी और अफर्म करोगे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, तो आप ये फील नहीं कर पाओगे क्योंकि वो रियलिटी में नहीं बनी है इस वक्त। लेकिन एप्रिसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ हो या ना हो, आप दोनों जगह पर उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हुई है, लेकिन आप ये बोलते हो कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, गवर्नमेंट जॉब के ये बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहने के ये प्रॉफिट्स हैं, और जब आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो तो मैनिफेस्ट करने के बाद भी आप ये अप्रिसिएशन यूज़ कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है, काम इतना अच्छा होता है। सेम अगर आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये बोलते हो कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ अब हो चुकी है, अब रियलिटी ये बनी नहीं है, तो आप रेजिस्ट करोगे, आप फील करोगे कि उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक किया है और मैं ये बात बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। या फिर कोई झगड़ा होगा आपके पार्टनर से, आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं ही हमेशा क्यों इन चीज़ों को ठीक करूं, और यहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है तो फिर भले आप ग्रैटिट्यूड को फील कर पाओ कि हाँ मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं क्योंकि मेरा पार्टनर मेरे साथ है, लेकिन एप्रिसिएशन कैसी है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी बोलो आप एप्रिसिएशन वाले साइड पे आप फोकस कर रहे हो कि वो पर्सन बहुत अच्छा है या वो पर्सन बहुत अच्छी है, मैं उसके साथ लाइफ टाइम अपना रह सकता हूँ या मैं लाइफ टाइम उसके साथ रह सकती हूँ, उसमें ये क्वालिटीज़ है, उसकी ये खासियत मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, उस पर्सन में अनगिनत क्वालिटीज़ है। अगर आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप मैनिफेस्टेशन से पहले ही एक अच्छी वाइब्रेशन में आ जा रहे हो और बिना वाइब्रेशन को फेक किए उस जगह पर आ जा रहे हो। ग्रैटिट्यूड में आप फिर भी फेक करते हो क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आई है, आप फील करना चाह रहे हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में है। अब सेम कोई तीसरा एग्जांपल अगर आप ले लो, स्पेसिफिक पर्सन का हो गया, गवर्नमेंट जॉब का हो गया, मान लीजिए हेल्थ का ले लेते हैं। अब हेल्थ को लेकर के आप अपनी फिजिकल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम देखो तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, या फिर अपने से बाहर किसी पर्सन को देखो और उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है
या तो किसी दूसरे पर्सन को देख सकते हो कि वाह उस पर्सन की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, या उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, वो अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखता है या रखती है। तो इस तरीके से जब आप करते हो, यानी ये चीज़ सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, आप दूसरों की लाइफ में भी उस चीज़ को देख सकते हो कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो जॉब नहीं है लेकिन किसी और की लाइफ में है, आप उस पर्सन की तारीफ करना स्टार्ट कर दो। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप फ़ैन बन जाओ किसी के, तो अगर आप फ़ैन भी बन जाते हो किसी के तो आपके अंदर उनकी पर्सनैलिटी आ जाती है। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं मानूंगा सच है, और ये मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले से जानता हूँ। जब मैंने अपना स्कूल पास आउट किया था 2014 में, तो उस वक्त मैं मूवीज़ देखने बहुत जाया करता था न्यू अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे कज़न्स के साथ। और मूवीज़ सबसे ज़्यादा तब से आती हैं अक्षय कुमार की ही, और मैं स्टार्टिंग से अक्षय कुमार का एडमायरर रहा हूँ। और उस वक्त तक जब मैं मूवीज़ देखने जाया करता था, तब उनकी मूवीज़ देख के मैं और भी ज़्यादा खुश होता था और उनको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करता था। वो अप्रिशिएशन करते करते ही मैं उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला फ़ैन बन गया। मुझे उनकी हर एक बात अच्छी लगने लगी। उनकी कोई मूवी का डायलॉग भी होता था ना, तो वो भी मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देने लगता था। जैसे एक डायलॉग उनका मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट दिया था कि जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता, और ये उन्होंने बोला था मुझसे शादी करोगी मैं सलमान खान से। और कहीं ना कहीं मुझे लगता था सलमान जैसा गुस्सा मेरा भी था उस वक्त। तो जब अक्षय कुमार ने ये बात कही थी उनसे, तो ऐसा लगता था कि उन्होंने पर्सनली मुझे कही है। तो जब भी कुछ ऐसा गुस्से वाली सिचुएशन होती थी उस टाइम पे, तो मैं इंस्टेंटली रिकॉल कर लेता था इस बात को कि जिसके काबू में गुस्सा नहीं होता उसके काबू में कुछ नहीं होता, और बहुत हद तक मेरा गुस्सा शांत हो चुका था। और उनकी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था कि वो 4 बजे सुबह उठते हैं, रात को 9:30-10 बजे सो जाते हैं, अपनी लाइफ में किसी पार्टीज़ में जाना नहीं पसंद करते हैं, सूरज ढलने से पहले वो अपना खाना रात का खा लेते हैं। तो मेरी हैबिट भी वैसी ही हो गई थी। अब वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वो मार्शल आर्टिस्ट है। तो उस वक्त मैं सीखता था बॉक्सिंग, तो मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता था, वो मेरे लिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। तो मेरी रूटीन इतनी इजीली चेंज हो गई थी और बिल्कुल उनके जैसी हो गई थी कि 4 बजे मैं उठता था, 10 बजे मैं सोता था, पूरी डिसिप्लिन के साथ रहता था, डाइट में मेरा कोई भी बाहर की चीज़ नहीं होती थी, जो खाना होता था सिर्फ घर का ही खाता था। और बॉक्सिंग की जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं बहुत ज़्यादा रनिंग भी करता था, यानी 4 से 5 घंटे की मेरी डेली की प्रैक्टिस होती थी। और उस जगह पर अगर मैं अपनी आज की लाइफ को देखूं तो आज मैं बिल्कुल टोटल डिफरेंट बिलीफ रखता हूं, क्योंकि अभी जैसे मैं अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया हूं, तो मैं अब्राहम के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा समझता हूं। अब्राहम कहती है कि मेहनत करने की या बहुत एक्शंस लेने की जरूरत नहीं होती, आप वाइब्रेशनली चीज़ों को ज़्यादा बेटर अपनी लाइफ में कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ सूटेबल लगती है तो आप करो, नहीं लगती है तो आप मत करो। और उस वक्त तक मेरा इसे करने का रीज़न ये होता था कि मैं आर्मी में जाना चाहता था और मेरे लेफ्ट हैंड में टैटू होने की वजह से मैं नहीं जा सकता था। तो जब वो चीज़ मुझे पता चली थी तो मैंने उसी वक्त बॉक्सिंग क्विट कर दिया था, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर आपकी नाक टूट सकती है, और वो कहीं ना कहीं आप बोलो मोर देन 80-90% चांसेस है कि अगर आप बॉक्सिंग करते हो तो आपकी नोज टूटेगी। तो ऐसे में जब मुझे आर्मी में जाना था तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी नाक टूटेगी। लेकिन जब समझ में आ गया कि हाँ मैं आर्मी में नहीं जा सकता, तो उस वक्त से ये मुझे समझ में आने लगा कि अब बॉक्सिंग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मेरी नाक टूटी तो मेरा शक्ल बिगड़ जाएगी। तो वहाँ से ये रेजिस्टेंस आप बोलोगे या ये मोड़ आप बोलोगे लाइफ का, इस तरीके से आया था कि जहाँ पर एक तरफ मैं एकदम स्टॉप लेस या बोलो अनस्टॉपेबल की तरह था कि एकदम पूरी रूटीन के साथ सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा था, जब पता चला कि हाँ इस चीज़ को करने का ये मकसद है और इस मकसद को मैं नहीं पूरा कर पा रहा इस जगह पे, तो ये चीज़ मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर सकता। और आज की अगर मैं लाइफ देखूँ तो आज मैं नहीं चाहता आर्मी में जाना, वो उस समय का ड्रीम था मेरा बचपन का। लेकिन आज मैं देखूँ तो आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो इस जगह पर अगर मैं देखूँ तो मैं अक्षय कुमार वाली लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करता और ना ही करना चाहूँगा। अब मैं अब्राहम वाली चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, चीज़ों को ईजिली मेंटेन करना पसंद करता हूँ, ईजिली मैनिफेस्ट करना पसंद करता हूँ। एक्शन से ज़्यादा मैं वाइब्रेशन पे बिलीव करता हूँ कि आपकी अलाइनमेंट है आप में एक्शन भी ले लोगे। तो देखोगे तो अप्रिशिएशन का तरीका जस्ट बदला। और उस वक्त तक मैं अब्राहम को फॉलो नहीं करता था, उनके बारे में जानता भी नहीं था, 2014 की बात है। तो उस वक्त मैं बॉक्सिंग वगैरह करता था, उस वक्त मैं अक्षय कुमार सर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन उस वक्त जितना करता था तो उनकी लाइफस्टाइल के साथ साथ मेरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुकी थी, उन्हीं की तरह मैं बिहेव करता था। इवन जैसे वो एक उंगली से सीटी मारते हैं कंबख्त इश्क मूवी में, मुझे भी वो सीटी बजानी आ गई थी उनको देखते देखते। और आज अगर मैं देखूँ तो मैं मोस्टली अब्राहम को अप्रिशिएट करता हूँ, तो मेरे थॉट्स और मेरी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अब्राहम की टीचिंग से मिलते जुलते हैं। इससे बाहर अगर मैं जाऊँ तो मैं रेजिस्ट करता हूँ। तो एट द एंड अगर आप इस वीडियो का कंक्लूजन या बोलो समरी निकालो, तो समरी इसका ये होगा
कि आप जिस चीज को अप्रिशिएट या जिस चीज को क्रिटिसाइज करोगे वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में बुरी चीजें मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्रिटिसिज्म या कंप्लेन वाला रास्ता छोड़ करके अप्रिशिएशन वाला रास्ता अपनाइए, जहां पर आपको किसी की झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई चीज जेन्युइनली पसंद आती है उस चीज के बारे में आपको तारीफ करनी है, और जहां पर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती वहां चुप रहना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको पर्सनल सबलिमिनल बनवाना हो या मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ग्रेटिट्यूड और अप्रिशिएशन को लेकर के अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।